आखिर इस लड़के की जीभ एक गिरगिट से भी बड़ी कैसे है और इस औरत ने सिर्फ 150 रुपए के लिए अपने बाल क्यों कटवा दिए। सच्चाई जानने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। अगर जानना है क्यों तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर वन, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। ये लाइन सिर्फ किसी मूवी का डायलॉग नहीं बल्कि इस दुनिया की सच्चाई है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है माँ सेल्वा, जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने बालों को मात्र 150 रुपयों में बेच दिया। प्रेमा के पति की मौत के बाद उस पर दुखों का ऐसा पहाड़ गिर गया कि उसके लिए अपने 3 बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया, जिस वजह से उन्होंने अपने बालों को 150 रुपयों में बेच दिया। सही बात है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ ही होती है। दोस्तों, इस माँ की ममता भरी कहानी सुनने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, मिलिए के प्रवीण से, जिनके पास दुनिया के सबसे लंबी जीभ का रिकॉर्ड है। तमिलनाडु में रहने वाले 20 साल के प्रवीण की जीभ 10.8 सेंटीमीटर यानी कि 4.25 इंच लंबी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार निक नाम के इस आदमी की जीभ 10.1 सेंटीमीटर यानी कि 3.98 इंच की लंबाई के साथ सबसे लंबी है। लेकिन शायद बहुत जल्द ही वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टंग यानी कि दुनिया के सबसे लंबी जीभ का खिताब हमारे भारत के प्रवीण को दे दिया जाए। प्रवीण अपनी लंबी जीभ के साथ बहुत सारे खास स्टंट्स भी करते हैं, जैसे कि प्रवीण अपनी जुबान से अपनी नाक को छू सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर छिपा सकते हैं। हमारी तरफ से एक चैलेंज, अगर हिम्मत है तो अपनी जुबान से अपनी नाक को टच करके दिखाइए। नंबर 3, एक समय की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बहुत ही सुंदर पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर ने ये बोला कि अगर आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात का क्या जवाब दिया, आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्होंने उस महिला रिपोर्टर से कहा कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। अटल जी के इस जवाब को सुनकर सभी पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो गई। नंबर 4, आप सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में सभी चीजों का प्राइस 99999 या 1999 ऐसे ही क्यों रखा जाता है। 99 या 1999 रुपए लिखने की जगह सीधे 100 या 2000 रुपए भी तो लिख सकते थे। तो असल में कंपनीज ऐसा इसलिए करती है ताकि कस्टमर का चीजों को खरीदने का चांस बढ़ जाए। जब हम देखते हैं कि किसी चीज का प्राइस 99 है तो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये चीज 99 रुपए की यानी कि 100 रुपए की ही है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को जल्दी समझ नहीं पाता और हमारा चीजों को खरीदने का चांस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए 175 और 161 रुपीज में ज्यादा अंतर नहीं लगता, बेशक इनके बीच में 14 रुपयों का अंतर हो। वहीं अगर 199 रुपए और 201 रुपए को देखें तो बहुत अंतर लगता है, जबकि इनके बीच में सिर्फ 2 रुपयों का ही अंतर है। नंबर 5, देखिए इस छोटे से हॉर्सोई क्रैब को, जिसके खून की कीमत जानकर आप लोगों के होश उड़ जाते हैं। हॉर्सोई क्रैब के शरीर में एक बहुत ही रेयर ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 11,81,000 रुपए पर लीटर है। ये ब्लड इतना ज्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन के अंदर पहले से छिपे हुए वायरस को पहचानने के लिए किया जाता है। अभी फिलहाल में कोरोना वैक्सीन बनाने के समय भी इसका इस्तेमाल हुआ था। नंबर 6, अब ये जानकर हैरान मत हो जाना कि अंटार्कटिका में सन 1994 से ही डॉग्स पर बैन लगा हुआ है। असल में डॉग्स के अंदर ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो अंटार्कटिका के सभी सेल्स में बीमारी फैला सकते हैं, जिस वजह से डॉग्स को अंटार्कटिका में 1994 से ही बैन करके रखा गया है। नंबर 7, मिलिए सरला ठकराल जी से, जो भारत की सबसे पहली महिला पायलट है। मात्र 21 साल की उम्र में एयरक्राफ्ट उड़ा के ये भारत की सबसे महिला एयरक्राफ्ट बन गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरला ठकराल जी के 107वें जन्मदिन पे गूगल ने उनका डूडल बनाकर सम्मान किया। इस डूडल को आप सामने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। गूगल ने कहा कि 21 साल की उम्र में साड़ी पहनकर उन्होंने अपनी पहली सोलो फ्लाइट के लिए छोटे से विमान के कॉकपिट में कदम रखा। सरला ठकराल जी ही वो औरत थी जिन्होंने सबसे पहले एयरक्राफ्ट को कुल 1000 घंटा चलाया। नंबर 8, स्मोकिंग असल में इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ब्लड में क्लोटिंग प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस इंसान के पास कोई दोस्त नहीं होता वो ज्यादातर मायूस, दुखी और शांत रहता है, जिससे कि उसके ब्लड में भी क्लोटिंग प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि दोस्त न होना बिल्कुल स्मोकिंग करने जितना खतरनाक है। तो लाइफ में ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ और हमेशा खुश रहो। नंबर 9, भारत के उड़ीसा राज्य का जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे अद्भुत जगहों में से एक है।
चाहे आप शहर के किसी भी साइड से मंदिर के चक्र को देखो, वो हमेशा आपके तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में रहता है। मंदिर के ऊपर का आसमान बिल्कुल खाली है, यानी कोई भी चिड़िया मंदिर के ऊपर नहीं उड़ती और तो और इस मंदिर की कोई भी छाया नहीं बनती। सुबह से लेकर रात तक किसी भी टाइम आप इस मंदिर को देख लो, लेकिन आपको इस मंदिर की कोई भी छाया नहीं मिलेगी। एक पंडित रोज इस मंदिर के सबसे ऊपर लगे फ्लैग को बदलता है। माना जाता है कि अगर एक भी दिन इस मंदिर के फ्लैग को नहीं बदला गया तो पूरे 18 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। जब आप इस मंदिर के बाहर खड़े होंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाजें आएंगी, लेकिन वहीं अंदर जाने के बाद आपको समुद्र की लहरों की आवाज न के बराबर आएंगी। आज तक कोई भी रिसर्चर्स ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर इस मंदिर को कैसे बनाया गया है, आखिर किस तकनीक का इस्तेमाल करके इस मंदिर को इतना खास और मिस्टीरियस बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।